हेलो एवरीवन, आप लोगों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे साथ बुक समर के इस सफ़र में। हम लोग पढ़ाई ख़त्म करके सब कोई प्रोफेशन तो जरूर चुनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सुपरवाइजर, जिसका जो कोई सपना या टारगेट हो। नौकरी करना या कोई प्रोफेशन चुनना बुरा नहीं है, बुरा है इनकम का जो पार्ट है उसे ना समझना। इनकम यानी हम लोग काम पर जाते हैं, जो भी काम हो कर लेते हैं और बदले में हम लोग को पैसा मिलता है। इनकम मतलब हम लोग इतना ही समझते हैं, लेकिन इनकम का अगर थोड़ा डीप में जाया जाए तो नेचुरली इनकम तीन टाइप के होते हैं, लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम और रॉयल्टी इनकम। लीनियर इनकम यानी आप किसी भी काम को करने के लिए जितना वक्त देते हैं उसी वक्त के बदले आपको जितना प्रॉफिट होते हैं वह है लीनियर इनकम, जैसे ड्राइवर। लेवरेज इनकम यानी आप कुछ करते नहीं, कुछ लोगों से आप काम करवाते हैं, बदले में जो प्रॉफिट होते हैं का हिस्सा रख के बाकी प्रॉफिट सब में बांट देते हैं, जैसे सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब। रॉयल्टी इनकम यानी आप अपना काम पहले ही करके रख देते हैं और बाद में आपको पैसा मिलते रहता है, जैसे सिंगर, साइंटिस्ट, ये सब। इनकम के बारे में आप ये तीन पार्ट समझ गए होंगे और आज जो किताब के बारे में चर्चा करेंगे वो इसी इनकम के रिलेटेड। नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। आज का किताब का ये समरी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आखिर तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑथर ने बचपन से ही पैसा के मामले में बहुत जिज्ञासु थे। किताब में उनके मन तो लगता नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहते थे, पैसा कैसे काम करता है। 9 साल की उम्र में ही उन्होंने पैसा को बहुत ही महत्व दिया और बाद में जाके उनके सारे भावनाओं और जीवन में पैसे के ऊपर जो सिद्धांत रहा उन्होंने किताब के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने सिखाया हम लोग कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम होके अमीर बन सकते हैं या अमीर बनने की राह पर चल सकते हैं। आइए ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑथर ने 1947 8 अप्रैल यूनाइटेड स्टेट में जन्म लिए। ही इज़ एन अमेरिकन बिजनेसमैन। किताब में उन्होंने टोटल 10 चैप्टर दिए हैं, लेकिन पहले का 6 चैप्टर ही पूरा किताब का सार है। यानी अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ ना भी पाए, पहले का 6 चैप्टर पढ़ लिए तो पूरा किताब पढ़ना हो जाएगा। आइए आप किताब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑथर के दो डैडी यानी एक अपने डैडी जो गरीब और एक दोस्त के डैडी यानी अमीर। बचपन से ही ऑथर ने दो डैडी कह के बुलाते थे क्योंकि दोनों डैडी उनको सिखाते थे। एक दिन ऑथर ने उनके गरीब डैडी को बोले, डैडी पैसा कैसे काम करता है सिखाइए ना। उनके डैडी उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक 9 साल के उस बच्चे की तरफ उनके डैडी हैरानी से देखते रहे। कुछ ही देर बाद उत्तर दिए, तुम अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ बन जाओ तब तुमको सब समझ में आ जाएगा। ऑथर कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी जवाब दिए, आप हर टाइम ही उत्तर देते हैं, हमको कुछ नया उत्तर चाहिए, स्कूल में ये सब नहीं सिखाते। अब उनके डैडी गुस्सा होके बोले, तुमको पैसा बनाना सीखना चाहिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते, चुप रहो और हमको न्यूज़पेपर पढ़ने दो। 9 साल की उम्र में करते तो क्या करते। उन्होंने दोस्त के साथ टूथपेस्ट ट्यूब जमा करके और प्लास्टर पाउडर मिला के पैसा के सिक्के डाल के पैसा बनाना चालू कर दिया। उनके डैडी और डैडी के दोस्त अचानक देख के बोले, क्या कर रहे हो तुम दोनों। ऑथर ने खुशी में झूमते हुए उत्तर दिए, पैसा बना रहा हूँ। उनके गरीब डैडी देख के बोले, हाय राम, तुमको ऐसा पैसे बनाने के लिए नहीं बोले। और उनके डैडी के दोस्त बोले, ठीक है कुछ प्रयास तो किया, पैसा के बारे में जानने के लिए कदम तो रखा, समझने के लिए आगे बढ़ो, चलते रहो। 9 साल के बच्चे सोचते रहे कि क्या किया जाए। दरअसल यही पहला कदम था पैसे के बारे में गहराई से समझने के लिए। दोनों डैडी होने के कारण बचपन से ही उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके पैसा के मामले में। दोनों डैडी अपने अपने लाइफ में सक्सेस पा चुके थे, लेकिन पैसा के मामले में उनके अमीर डैडी की सोच बहुत ही अलग रहा और यही सोच ऑथर के जीवन को बहुत ही प्रभावित किया। उनके गरीब डैडी कहते थे, हमको परिवार संभालना पड़ता है इसलिए गरीब हूँ, और उनके अमीर डैडी कहते थे, हमको पैसा और कमाना चाहिए ताकि परिवार अच्छे से चल पाए। उनके गरीब डैडी कहते थे, ये चीज़ हम खरीद नहीं सकते। उनके अमीर डैडी कहते थे, ये चीज़ कैसे खरीदा जाए। उनके गरीब डैडी कहते थे, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छे कंपनी में जॉब पा सको। उनके अमीर डैडी कहते थे, तुम ऐसा कुछ करो ताकि तुम उस कंपनी का मालिक बन पाओ। एक नेगेटिव वर्ड और एक पॉजिटिव वर्ड।
एक शब्द में बात खत्म हो जाते हैं और एक शब्द में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके अमी डैडी की बातों ने बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक बनने के लिए काफ़ी मदद की। इसीलिए बचपन से ही उन्होंने फैसला ले लिए थे कि अमी डैडी की राह पे चलना है और बहुत कुछ सीखना है। ये किताब लिखने के टाइम उन्होंने आग्रह किया जो भी पढ़ रहा होगा उनका किताबी ज्ञान को अलग रखे और ऑथर के बात को अंदर जाने दे। ये किताब किसी जवाब के तरह नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते। 9 साल की उम्र में जॉब ऑथर ने उनके गरीब डैडी से सुने थे कि पैसा बनाना सीखना चाहिए। तब उनके दोस्त के पिता यानी अमीर डैडी से पूछने के लिए सलाह मिली थी। इसलिए उसके दोस्त के साथ अमीर डैडी से जाके जानने के लिए आग्रह किया कि पैसा कैसे काम करता है। उनके अमीर डैडी भी बहुत ही प्रभावित हुए कि पहली बार कोई, वो भी 9 साल का बच्चा, पैसा के बारे में जानना चाहा, ना कि काम करने के लिए। उन्होंने कहा, हम सिखाएंगे लेकिन एक शर्त पर, तुमको तुम्हारे क्लास के जैसे नहीं सिखाएंगे, तुमको काम करना होगा। अगर तुम पढ़ाई करके डिग्री हासिल करके बड़ा नौकरी पाना चाहते हो तो स्कूल में रहो, क्योंकि उससे बढ़िया जगह नहीं है बड़ा डिग्री हासिल करके बड़ा नौकरी पाने की। लेकिन तुम पैसा कैसे काम करता है ये सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुमको काम करना होगा और हर घंटे का 10 सेंट मिलेगा। सीखना चाहते हो तो काम पे लग जाओ और नहीं तो लौट जाओ। ऑथर ने हाँ भर दिया सीखना जो है। लेकिन 3 हफ्ता काम करने के बाद 4th बुधवार उन्होंने बहुत ही गुस्से हुए थे। इसलिए नहीं कि कुछ डब्बे साफ करने का काम मिला था, बल्कि इसलिए उनको 10 सेंट हर घंटे मिल रहा था जो कि बहुत ही कम था। उन्होंने अपने दोस्त माइक को जाके गुस्से में बोले, हम काम नहीं करेंगे, काम हम छोड़ रहे हैं और कुछ हमको सीखना भी नहीं है। उनके दोस्त हंस रहे थे क्योंकि उनके डैडी ऐसा ही होगा पहले ही माइक को बोल के रखे थे और ऐसा जब होगा तब डैडी दोनों से मिलेंगे। एक दिन अमीर डैडी दोनों से मिलके अपना बात जाहिर करते हुए कहते हैं, तुम दोनों पहले इंसान हो जिन्होंने हमसे पैसा बनाने का तरीका जानने के लिए आग्रह किया, बाकी तो सब मेरे लिए काम करते रहते हैं। अगर हम तुम्हारे गरीब डैडी और क्लास टीचर की तरह समझाते तो शायद तुम ना समझ पाते और बहुत टाइम भी लग जाता। समझाने का तरीका सिर्फ बातचीत या भाषण देना ही नहीं है, अगर उसको वास्तविक तरीके से समझाया जाए तो ज़्यादा असरदार होते हैं। उन्होंने समझाते हुए कहते हैं, मेरा बात ध्यान से सुनो, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पूरा जिंदगी काम या नौकरी करते रहते हैं और हर महीने बैलेंस चेक से कैश करते, हर महीने मेरा प्रमोशन होगा ऐसा आशा करते, और अगर ना हुआ जिनका काम करते उसके सामने अपना तनख्वाह बढ़ाते और ना बढ़ाया तो दूसरा काम या नौकरी खोजते चला जाता है। ऐसा ही बार बार होते रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है लेकिन ऐसा अगर हम ना करते तो तुम पैसा के बारे में ऐसा भावनाएं मन में कभी लाते ही नहीं। तुम गुस्सा हुए, हम इसी दिन के इंतज़ार में थे, क्योंकि अगर तुम गुस्सा ना होते मेरे बाकी और कर्मचारी की तरह काम करते तो शायद तुम पैसा बनाना कभी सीखते ही नहीं। अब ऑथर के मन थोड़ा शांत हुआ और सोचते रहे, उनके अमीर डैडी सिखा रहे थे बस तरीका अलग था, उनके गरीब डैडी और स्कूल के पढ़ाई से भी बिल्कुल अलग। स्कूल में हम लोगों को सामाजिक और बड़ा डिग्री पाने के राह पे निपुण जरूर करता है लेकिन पैसा और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कभी चर्चा नहीं करता है, जो बातें उनके अमीर डैडी सिखा रहे थे। अमीर डैडी बोले, दिमाग का इस्तेमाल करो, हर घंटे तुमको $5 देंगे, अब खुश हो काम करोगे, लेकिन हम कुछ सिखाएंगे नहीं। अब उनका मन बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि $5 उस टाइम गिने चुने कुछ व्यक्ति घंटे के कमाते थे। अब उनके मन में और आग्रह हुआ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, इसलिए चुप रहना बेहतर समझा। अमीर डैडी बोले, सीखना चाहते हो कि $5 घंटे के दे दूँ। उन्होंने सीखना चाहा। इस बार अमीर डैडी बोले, तुम लोगों को कुछ पैसा नहीं मिलेगा, सीखते रहो। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी हम लोगों को पैसा के समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ऑथर ने बचपन से ही अमीर डैडी के राह पर चल रहा था, खास करके पैसा के मामले में, क्योंकि दोनों डैडी अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते थे, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा देते थे ताकि जीवन अच्छा हो जाए। जीवन में पैसा हासिल किया जा सकता है या तो काम के जरिए या तो नौकरी के जरिए। उससे पहले पैसा के बारे में कुछ जान लेना अमीर डैडी हमेशा समझाते थे। हम लोग जीवन में पैसा कितना भी कमा ले अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं है तो हम लोग पैसा तो कमा लेंगे लेकिन उसको रख नहीं पाएंगे, जो अमीर बनने के राह में रुकावट साबित हो सकता है।
इसलिए ऑथर आग्रह पूर्वक कहते हैं, जीवन में कोई कुछ भी करे पैसे की समझ सीखना चाहिए। जो बातें उनके आमिर डैडी कहा करते कि हम लोगों को सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, जो कि इस प्रकार तीन कलम में बांटी है, संपत्ति, दायित्व और पैसे की प्रवाह यानी कैश फ्लो। उन्होंने संपत्ति और दायित्व में हमेशा जोर देते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पैसा आपके हाथ में रहेगा नहीं और कैश फ्लो खाली पड़ा रहेगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं और अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जो इस प्रकार है। आप कुछ भी खरीदिए, बाजार से घर लाने के बाद उसका कीमत कम हो जाते हैं, उदाहरण के लिए टीवी, मोबाइल, होम थिएटर एक्सेट्रा, तो आपको ऐसा कुछ खरीदना चाहिए जो लाने के बाद दम बढ़ जाए। उदाहरण के लिए सोने चांदी, हीरे मोती, ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको खोज करना चाहिए। और गरीब या मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं, उदाहरण के लिए एक पति पत्नी छोटे से घर में अपने परिवार लेके दिन गुजारते हैं, वो भी बहुत ही दिनों से। पति अकेले इनकम करके परिवार अच्छे से संभाल रहे थे, अचानक एक दिन उसके पत्नी की भी नौकरी लग जाते हैं और पति पत्नी मिलके फैसला करते हैं कि अब उनको ये घर बेच के बड़ा फ्लैट ले लेना चाहिए, जबकि ले भी लेते हैं, परिणाम स्वरूप खर्चा भी बढ़ जाते हैं। अपना घर सजाने के सामान से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर अपनी जीवन शैली की हर एक कदम पर खर्च बढ़ जाता है और सोचते रहता है कि हम लोग अच्छे इनकम कर रहे हैं और अच्छे जीवन भी बिता रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। अगर तीन कलम में देखा जाए यानी संपत्ति, दायित्व और पैसे के प्रभाव पर, तो दायित्व वाले कलम बढ़ जाते हैं, संपत्ति वाले कलम घटते रहता है और पैसे की प्रवाह खाली होने लगता है। लेकिन अमीर होने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, संपत्ति वाले कलम बढ़ाना चाहिए, दायित्व तो कम से कम और पैसे की प्रवाह यानी कैश फ्लो हमेशा ध्यान देनी चाहिए। तो दायित्व और संपत्ति आपको समझ में आ गया होगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व तो पहले खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं उसके बाद दायित्व। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि दायित्व तो खरीदे ही ना, लेकिन तीन पैटर्न के ऊपर ध्यान रखते हुए। नहीं तो हम लोग मेहनत से पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन आखिर में अगर वही तीन पैटर्न के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो देखेंगे संपत्ति वाले कलम घट गया, दायित्व तो बहुत ही बढ़ गया और कैश फ्लो माइनस में चला गया। ये निशान बिल्कुल भी अमीर आदमी की नहीं है, इसलिए हम लोगों को पैसे की समझ होना बहुत ही जरूरी है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। नंबर तीन है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से कम रखना। अमीर आदमी हमेशा अपने काम पर ध्यान देते हैं, ना कि दूसरे के काम पर, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा दूसरे के काम पर ध्यान देते हैं और जिंदगी भर काम करते रहते हैं। यही बात ऑथर के अमीर डैडी समझाते थे कि दिमाग को इस्तेमाल करो हमेशा। अगर तुम $5 हर घंटे लेने के लिए राजी हो जाते, शायद ये बात तुम कभी ना समझ पाते। तुम मना किए और सीखना चाहा, अमीर बनने की राह पे तुम्हारा ये बहुत बड़ा कदम था। गरीब डैडी की बात मानते हुए कॉलेज सिर्फ अपने ज्ञान को प्रदर्शित करके 16 साल की उम्र में अपना पहली जेरोक्स कंपनी खोलना अपने जीवन में पहली कदम रहा अमीर बनने के लिए। ऐसा इसलिए संभव हुआ, उनके अमीर डैडी यही हमेशा सलाह देते थे, खुद कुछ करो न कि दूसरे के लिए। बाकी चैप्टर शॉर्ट में समझते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशन, यानी टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। रॉबिनहुड के ज़माने में एक नारा लगा था कि अमीर लोगों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, जबकि पहले इंग्लैंड और अमेरिका के जैसे देश में टैक्स नहीं लगता था। हम लोगों के कारण ही टैक्स का लागू हुआ, जबकि उद्देश्य यही था कि अमीर लोगों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन सच यह है कि अमीर लोग कभी टैक्स देते ही नहीं। हाँ, यह सच है, टैक्स मध्यम वर्गीय और उससे थोड़े ऊपर वाले लोगों से आते हैं और धीरे धीरे गरीब के ऊपर भी लागू हो गया। हम लोग अच्छा चाह रहे थे और हम लोगों के कारण ही टैक्स लागू हुआ। अमीर लोग बुद्धिजीवी और आईनजीवी को ज़्यादा पैसा देना बेहतर समझते हैं टैक्स देने के बदले कॉरपोरेशन के ताकत से। ये चैप्टर टैक्स के इतिहास पर आधारित है, तो इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर, द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसा बनाता है। अमीर लोग ये तीन पैटर्न जो है, संपत्ति, दायित्व और पैसे की प्रवाह पर, पहली यानी संपत्ति वाले कलम पर ज़्यादा जोर देते हैं। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, यही दृष्टिकोण रखते हैं और इनकम होने पर फिर वही संपत्ति वाले कलम पर एक साथ जोड़ देते हैं। और ऐसे करते रहने से संपत्ति वाले कलम बढ़ जाते हैं और उसी से दायित्व खरीद लेते हैं। अभी तो बहुत ही मार्ग है पैसा को बढ़ाना, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट
और भी बहुत कुछ। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसा के मामले में बहुत ही सुरक्षित राह चुनते हैं और सुरक्षित होना भी चाहिए, लेकिन इतना ही सुरक्षित होते हैं जो मिलने वाले ब्याज दर बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जिंदगी में जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। और अमीर लोग ठीक उल्टा करते हैं, जोखिम भरे राह चुनते हैं और पैसा भी बनाता है। निवेशक दो प्रकार के होते हैं, पहला सुरक्षित म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट जिसमें जोखिम नहीं होता है, दूसरी स्टॉक, रियल एस्टेट जो कि जोखिम भरे राह है। आपको डिसीजन लेना है आप किस प्रकार राह चुनते हैं। अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो पहले निवेशक बनिए, अगर अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरी। लास्ट और आखिरी चैप्टर में बहुत ही अनमोल सीख दिए गए हैं जो इस प्रकार, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, यानी सीखने के लिए काम करें ना कि पैसा के लिए। ऑथर ने 30 साल की उम्र तक सीखता रहा, उनका मानना है पैसा कमाने के लिए बहुत वक्त है। यहाँ पे बहुत मतलब आप किसी भी काम को करिए वक्त देना पड़ेगा, उसी वक्त के बदले में आपको पैसा मिलेगा, न कि कुछ जानने के बदौलत। उदाहरण के लिए हेल्पर का काम, आपको सिर्फ वक्त देना होता है, बदले में आपको पैसा मिल ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा करने में बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि ऐसे आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए पहले आपको खुद में निवेश करना पड़ेगा। जैसे बचपन में कुछ पैसा ना मिलने पर भी अपने अमीर डैडी से बहुत कुछ सीखते रहा ताकि नॉलेज हासिल हो, उन्होंने खुद में निवेश जारी रखा और अमीर बने। उनका मानना है गरीब होना और अभी पैसा ना होना अलग है, हालांकि गरीब होना स्थायी और अभी पैसा ना होना स्थायी नहीं है। अगर अमीर डैडी के पास कभी कभी पैसा ना भी रहता है तब भी उन्होंने खुद को गरीब नहीं समझा, खुद को अमीरिक कहता रहा, क्योंकि उन्होंने खुद में निवेश किए थे और सलाह देते थे पैसा अभी नहीं है, लेकिन संपत्ति वाले कलम हमेशा प्लस में रहता है, दायित्व और पैसे के प्रभाव वाले कलम से बहुत ही ज़्यादा। इसलिए पहले सीखने के लिए काम करें, खुद में इन्वेस्ट करें, बाद में आपके लिए पैसा काम करते रहेगा। खाली आपको यही तीन पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है, संपत्ति, दायित्व और पैसे के प्रभाव यानी कैश फ्लो पर। तो आशा करता हूँ मेरे साथ अमीर बनने के इस सफ़र में कुछ सीखने को मिला। तो अपने और अपने परिवार के साथ खुशी से इस राह पर चलते रहिए, और अमीर बनने के साथ साथ अगर ऐसे ही हमारे लाइफ के ऊपर बुक समरी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और YouTube में आने वाले हर एक वीडियो YouTube पोर्टल जाँच जरूर करते हैं, वो अच्छे है कि बुरे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अच्छे रहिए, ध्यान रखिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर। मैंने बचपन में सुना था कि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। ये कहानी सच्ची और अच्छी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बने रहना चाहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के इंसान की कहानी है। जब फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां देखते थे कि अमीरों के बच्चे आते थे, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स आते थे महंगी गाड़ी में उनको छोड़ने के लिए, उन बच्चों के पास में महंगे आइटम होते थे। रॉबर्ट के जो फादर थे वो एक टीचर थे, पीएचडी होल्डर थे, अच्छी पढ़ाई की थी लेकिन कम कमाते थे। रॉबर्ट ने कहा मेरे डैड तो पुअर डैड। रॉबर्ट घर पर गए एक दिन स्कूल से परेशान होकर के, यही सोचते जा रहे थे कि मेरे पास में ये सब चीजें क्यों नहीं है, मेरे पापा कार से छोड़ने क्यों नहीं आते हैं। जाकर के पापा से कहा कि पापा अमीर कैसे बन सकते हैं, तो पापा ने कहा यूज योर हेड, अपना दिमाग चलाओ। छोटा बच्चा फिफ्थ क्लास का क्या करता, अपने दोस्त माइक के पास में गया और उससे कहा कि आओ थोड़ा पैसा कमाते हैं। आसपास के एरिया में जितना टूथपेस्ट था, जितनी वो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है वो थी खाली वाली, उसको लेकर के आए, स्टील का बर्तन गैस पर रखा, गर्म पानी जो था उबलने के लिए छोड़ दिया, उसमें उसको डाल दिया और कुछ कोशिश में लगे थे। रॉबर्ट के फादर, रियल फादर जो है, घर पर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तो रॉबर्ट कहते हैं कि पापा हम मनी कॉइन्स बनाएंगे, इससे सिक्के बनाएंगे। हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये इल्लीगल है, ये नहीं करना चाहिए। फिर रॉबर्ट को लेकर के बैठते हैं अलग से और कहते हैं बेटा तुमने उस दिन सवाल पूछा था कि अमीर कैसे बन सकते हैं, मैंने मेरी लाइफ में पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, एक नौकरी के बारे में सोचा, नौकरी करता रहा, पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं तो ख्याल ही नहीं आया। तुम्हारा जो दोस्त है माइक, उसके फादर बिजनेसमैन है, माना वो सिर्फ 8वीं पास है, मेरी तरह इतनी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन वो तुम्हें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। 9 साल का बच्चा माइक के डैड के पास जाता है जिन्हें कहता है रिच डैड,
और उनसे समझना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत होती है, 30 साल तक समझता है, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो उसे मिलती है और कमाल करके दिखाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसकी समरी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस छोटे से वीडियो में। लर्निंग सीरीज आप देख रहे हैं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। इससे पहले कि क्या सीखना चाहिए रिच डैड पुअर डैड बुक से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने इस बुक में ये भी बताने की कोशिश की कि मेरे जो फादर थे, यानी कि जिनको वो रिच डैड कह रहे हैं यानी कि दोस्त के फादर, और पुअर डैड यानी कि उनके रियल फादर, उनकी सोच में कितना डिफरेंस था। बचपन में वो बोलते हैं कि मैं सोचा करता था, कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैं छोटा था, मैं समझ नहीं आता क्या करें, रिच डैड की सुननी चाहिए पुअर डैड की सुननी चाहिए, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों का जो एटीट्यूड था, जो पर्सपेक्टिव था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। हालांकि दोनों ही चाहते थे कि रॉबर्ट लाइफ में ग्रो कर। उनके पुअर डैड यानी कि रियल डैड जो थे, वो ये कहते थे कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो रिच डैड थे उन्होंने ये लाइन कभी कही नहीं। जो पुअर डैड थे वो कभी भी डिनर टेबल पर डिस्कस करना पसंद नहीं करते थे पैसे के बारे में, लेकिन रिच डैड जो थे वो पैसे के बारे में डिस्कस करते रहते थे। जो रिच डैड थे वो ये कहते थे कि तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, मान लो तुम्हें कोई चीज पसंद आ गई तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस चीज को कैसे ले सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि तो मेरे बस की बात नहीं है और दिमाग को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, दिमाग उस बारे में सोचना ही बंद कर देता है, फाइल क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर आप रिच डैड की बात माने, उनकी बात को फॉलो करें, तो वो कहते हैं कि आपको अपनी ब्रेन को काम पर लगाना चाहिए कि इस चीज को कैसे खरीदा जा सकता है। जैसे ही आप दिमाग को ये कहते हैं, दिमाग अपना काम करना शुरू कर देता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होना जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहिए। पुअर डैड का ये मानना था कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और रिच डैड ये कहते हैं कि रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, एक टर्म है कैलकुलेटिव रिस्क, वो लेनी चाहिए। पुअर डैड कहते थे कि बहुत सारी पढ़ाई करो, डिग्री लो, एक सिक्योर्ड जॉब करो। रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वो सीखो, पैसे के लिए काम मत करो बल्कि उस पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। तो 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि इस बुक के जो ऑथर हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि रिच डैड की सुनेंगे, पैसों के बारे में सीखेंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। अब क्या सीखने समझने वाली बात है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। रिच डैड जो है वो ये कहते थे कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। आपने देखा है वो सेलिब्रिटीज, वो सिंगर्स, वो एक्टर्स जो कि एक समय में बहुत अमीर थे, करोड़ों में कमाई कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद में उनके पास में कुछ बचता नहीं है, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, जो एक महंगी लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे थे कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली नॉलेज नहीं गेन कर पाए, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाए और अमीर नहीं बने रहे। रिच डैड पुअर डैड बुक जो है आपको यही सिखाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं, इस कैश फ्लो को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एसेट के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में समझना होगा। रिच डैड कहते हैं कि एसेट जो है वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, लायबिलिटीज जो है वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। अगर आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो एसेट आपको खरीदनी होगी, अगर आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास लाइफ जीना चाह रहे हैं तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी होगी। कोई भी अमीर आदमी चाहे पढ़ा लिखा ना हो, जैसे कि रिच डैड जो है वो सिर्फ 8वीं पास है लेकिन वो फाइनेंशियली लिटरेट होता है, फाइनेंशियली साउंड होता है, उससे सब कुछ मालूम होता है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कहाँ लगाना चाहिए और कितना मुझे बेनिफिट हो सकता है। हर आदमी की लाइफ में एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट को एक तो इनकम और एक्सपेंसिस में जो है उसको डिवाइड किया जाता है, जो बता रहा है कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। बैलेंस शीट में भी दो पार्ट होते हैं, एक एसेट होता है, दूसरा लायबिलिटीज होता है। तो आपके एसेट जो है आपके लिए पैसा बना रहे हैं, आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, जैसे कि जमीन है, शेयर मार्केट है, या आपने बॉन्ड्स में पैसा लगाया, या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लायबिलिटीज जो है इसका मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ लोन चुका रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का जो कैश फ्लो है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी सैलरी है, यानी कि तनख्वाह है। तनख्वाह एक तय समय पर आती है और जैसे ही आती है एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंसेस में उसे घर का किराया देना है, खाना है, कपड़े हैं, सारा का सारा पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता है, उसके पास में निल बटा सन्नाटा बचता है। गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखेंगे तो जो एसेट्स का कॉलम है वो हमेशा ब्लैंक रहता है, लायबिलिटीज में ही उसका सारा पैसा जो है चला जाता है, यानी कि इनकम आती है और चली जाती है, रुकता कुछ भी नहीं है। ये होता है गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी के कैश फ्लो को और मिडिल क्लास आदमी के कैश फ्लो को अगर आप समझेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर भी एसेट का कॉलम खाली है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका एक सेट पैटर्न होता है, शादी हो जाती है, उसके बाद में किसी नए शहर में जॉब की तलाश में चले जाते हैं, वहां एक
किराए का घर लेते हैं, किराए का घर लेने के बाद में लगता है कि अब अपना घर बनाना चाहिए, अपने घर के लिए पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, थोड़ा सा जो है वो एक डाउन पेमेंट की जितना पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं, फिर घर की जो है डाउन पेमेंट देते हैं, फिर शुरू हो जाता है लोन, और लोन तो चल ही रहा है, साथ साथ उस घर को सजाना चाहते हैं, इंटीरियर पर खर्चा करते हैं, फर्नीचर अच्छा लेना है, दूसरा सामान लेना है, कार अच्छी लेनी है, कुल मिलाकर के लायबिलिटीज का जो कॉलम है उसको भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बहुत सारे लोन जो है वो चलते चले जाते हैं। पैसा आता तो है, इनकम आती तो है सैलरी के रूप में, लेकिन वो सीधी आकर के लायबिलिटीज में चली जाती है, बचता कुछ भी नहीं है, एसेट का कॉलम पूरी तरीके से खाली रह जाता है। अब समझते हैं अमीरों का कैश फ्लो आखिर होता कैसा है, जो अमीर है उनका कैश फ्लो क्या होता है। अगर आप इनकम वाला कॉलम देखेंगे तो उसमें भी तीन चार चीजें हैं, सिर्फ सैलरी पर ही डिपेंडेंट नहीं है, इंटरेस्ट जो है उसका पैसा आ रहा है, कैपिटल गेन जो है उसका पैसा आ रहा है, डिविडेंड जो है उसका पैसा आ रहा है, रॉयल्टीज का पैसा आ रहा है, और जब बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो वही एक्सपेंसेस जो सबके हैं, टैक्स भी देना है, खाना भी है, कपड़े भी हैं, बच्चों के एजुकेशन भी है, ये सब तो है ही। लेकिन जब आप बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लायबिलिटीज में बहुत कम है और एसेट्स में बहुत सारा है। लायबिलिटीज में क्रेडिट कार्ड है और लोन है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोन तो आपको लेना ही है, आपके पास में खर्चा भी होगा तो आपको पैसा तो चाहिए ही। एसेट्स की अगर बात करें तो वहां पर स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत कुछ है, साथ में बिजनेसेस तो चल ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अमीर व्यक्ति होता है उसका सारा और सारा ध्यान होता है एसेट वाला जो कॉलम है उसको बड़ा करने में, जो गरीब है और जो मिडिल क्लास है उनको लगता है कि लायबिलिटीज जो है उसमें आनंद है, थोड़ा बहुत पैसा भी बच रहा है तो कहीं और खर्च करते हैं, घूम कर आ जाते हैं, पैसा जो है ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, अपने पास नहीं रखते, उन्हें उस पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, अगर उनके पास में पैसा भी आ गया तो तुरंत उसे अपने पास से बाहर भेजना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर, कई बार तो बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं और वो ऐसी जगह पर पैसा चला जाता है कि जाकर के फंस जाता है, 10 साल 15 साल के बाद में देखते हैं तो उस पैसे से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है, वो उसी रैट रेस में, जिसे कहते हैं ना रैट रेस, उसी में घूमते रहते हैं, पैसा कमाना है, खर्चे हैं, वापस से पैसा कमाना है, खर्चे हैं, नील बटे सन्नाटा आखिरी में लाइफ हो जाती है। इसलिए हमेशा एसेट वाला जो कॉलम है उसकी तरफ ध्यान दीजिए अगर आप रिच डैड की सुनना चाहते हैं। अमीर लोग जो होते हैं उनका इनकम सोर्स तीन टाइप का होता है, पहला ऑर्डिनरी यानी कि सैलरी, वो तो है ही, दूसरा है पैसिव यानी कि रियल एस्टेट से जो पैसा कमाया है, जहां आप रहें ना रहें, ध्यान दें ना दें, पैसा आता रहेगा, और तीसरा है पोर्टफोलियो यानी कि शेयर मार्केट और सरकारी बॉन्ड से जो पैसा कमाया है वो भी। दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हों, चाहे इस बुक के ऑथर हों, चाहे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सब अमीर क्यों बने, क्योंकि इनका पैसा, ये चाहे उस जगह पर थे या नहीं थे, पैसा ग्रो कर रहा था, पैसे से पैसा बनता चला जा रहा था। जो आम आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास आदमी होता है, वो पैसे से सिर्फ और सिर्फ खर्चा करना जानता है, वो पैसे की नॉलेज नहीं रखता, फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो नहीं रखता, और इस चक्कर में उसे बड़ा सारा नुकसान उठाना पड़ता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी किस्सा शेयर करते हैं, वो किस्सा मैं आपको बताता हूं। वो जो किस्सा है उसमें वो कहते हैं कि 1989 में मैं अमेरिका में जा रहता था, उसके पास से एक जगह से निकल रहा था तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो घर थे उन पर सेल के बोर्ड लगे थे, यानी कि बिकने के लिए वो तैयार थे। उस समय अमेरिका में रिसेशन आ गया था, शेयर मार्केट टूट चुका था और वहां की रियल एस्टेट जो मार्केट थी वो भी बहुत खराब हालत में थी। तो उन्होंने देखा कि एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का जो था बोर्ड लगा हुआ था, उस घर के मालिक से जाकर के मिलते हैं और पूछते हैं कितने में बेच रहे हो, तो कहते हैं कि मैंने तो बेचने के लिए लगाया लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा है। तो रॉबर्ट पूछते हैं कि मुझे घर पसंद आ रहा है, आप क्या बोलते हैं कितने में, तो $20,000 में डील जो है फाइनल होती है। रॉबर्ट उस घर में किराएदार रख देते हैं, 2 साल तक किराएदार वहां रहते हैं, तब तक रियल एस्टेट का जो मार्केट था वापस से बूम पर आता है, वापस से ग्रो करने लगता है और उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है। रॉबर्ट 2 साल के बाद में $95,000 में उसे बेच देते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है और 2 साल में जब तक वो जगह वहां थी तब तक किराएदार रख करके वो पैसा भी बना लेते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि पैसे से पैसा बन सकता है, ये जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझ में आ गया और वो लाइफ में ग्रो करते चले गए। मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर बेच करके पैसा नहीं कमा रहा है, मैकडॉनल्ड्स जो है वो पैसा कमा रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की वजह से भी, क्योंकि आज उनके पास में पूरी दुनिया में बहुत सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज हैं। रिच डैड पुअर डैड में 3 कमाल की बातें बताई गई हैं। सबसे पहली, अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लर्निंग यानी कि सीखना जीवन की प्रक्रिया है और ये अनंत तक चलती चली जाती है, आप जितना सीखेंगे उतना कम है। फाइनेंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलतियां होती रहेंगी, हर गलती से सीखिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी, गलतियां उसी से होती हैं जो जीतने के लिए खेलता है, अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं तो गलतियां होंगी, गलतियां होने दीजिए, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए। और तीसरी, पैसे के लिए काम मत करो,
पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। और अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हैं, लिटरेट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आपको पढ़नी चाहिए रिच डैड पुअर डैड। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।